हेलो फ्रेंड, और आज का वीडियो मेरे उन भाई लोगों के लिए है या उन सिस्टर्स के लिए है जिनको अभी तक उसके मेल पे चाहे उनके टेक्स्ट मैसेज अभी तक उनको नहीं मिली है ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कि कैसे ज्वाइन करना है। जैसा मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा है जिसमें सारे लोग बोल रहे थे तरह की बातें कि लाइक मैं ज्वाइन कर चुका हूँ लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं वहाँ से एग्जिट हो गया था। ठीक है, एग्जिट होने के बाद फिर मेरे पास एक मेल पे टेक्स्ट मैसेज में पासवर्ड आया, फिर मैं पासवर्ड को जब गूगल क्लासरूम इनपुट करता हूँ तो वहाँ पे एरर का टाइप में कुछ लिखाता है। पहला रीजन ये हो गया आपकी जो गलतियाँ हो रही उसका क्या सलूशन है, सारा का सलूशन मैं वीडियो के लिए बताऊँ। ओके, और वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट ये है, बहुत सारे कैंडिडेट ये हैं जिनके पास अभी तक ना टेक्स्ट मैसेज आया है, ना पासवर्ड उसमें आया है, ना ही मेल पे आया है, ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स है। और तीसरा कैंडिडेट्स उस तरह के हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है जो कमेंट्स में किए थे कि मैं तो एक्टिव हो गया हूँ, वो क्लासरूम पे ज्वाइन हो गया हूँ लेकिन अनदर ईमेल आईडी से लॉगिन हुआ हूँ तो क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था ऑफिसियली विभाग का, जैसा शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा, और मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया था, तो मैंने भी मैं कोशिश किया उसे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करने की, लेकिन और मैं टेक्स्ट मैसेज भी छोड़ा, आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं सारा वहाँ लिख कर टेक्स्ट मैसेज छोड़ा क्या रिस्पांस आता है, तो कुछ रिस्पांस वहाँ पे नहीं आया इसके रिगार्डिंग। जैसा कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ रिस्पांस अभी तक नहीं आ रहा है जो ये फैक्ट है, तो कल 18 तारीख है, मैं दुआ करता हूँ कि सारे लोग कल तक सबको ज्वाइनिंग रिगार्डिंग मैसेज आ जाए, और नहीं आती है तो अभी तो ये अपडेट है कि यही बोला गया ऑफिशियली कि थोड़ा वेट करें कल तक। आप लोग मोबाइल नंबर में कांटेक्ट करने की कोशिश करें, जो मोबाइल नंबर मैं दे चुका हूँ आप लोग बता होगा, और मोबाइल नंबर पे कोशिश करें टेक्स्ट मैसेज करने की, नहीं तो उसके मेल जो है ऑफिशियली उस पर कोशिश करें मेल करने की, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में कोई अगर है तो उनसे थोड़ा कांटेक्ट करें जानने के लिए, बिकॉज बहुत जरूरी है आप लोग के लिए ज्वाइनिंग, और आप लोग को पता है इसलिए आप लोग परेशान है, तो मुझे इसकी भी नॉलेज है कि कितनी बड़ी ये चीज़ आप लोग के साथ हो रही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप जा नहीं सकते वहाँ पे, सारा कुछ ऑफलाइन हो नहीं पाएगा आप लोगों से, कि अभी लॉकडाउन है सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग की सारा चीज़ जानना। सो यही आज के वीडियो में था, सो आई होप कि आप लोग के साथ सब कुछ अच्छा हो, मैं ये प्रे करता हूँ आप टेंशन बिल्कुल नहीं ले, ऐसा नहीं है कि अगर बाय द वे खुदा न खास बाय डिफॉल्ट बाय ऑफिशियली अगर नहीं आ पाता है मेल या टेक्स्ट मैसेज रिगार्डिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग के, तो आप लोग टेंशन नहीं ले, इंशाल्लाह हर चीज़ का सलूशन होता है, टेंशन वाली बात नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं होगी आप लोगों की जॉब नहीं होगी, यहाँ पे इतनी छोटी चीज़ की वजह से ऐसा नहीं ज्वाइनिंग आप लोगों को वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, जो यहाँ फर्स्ट बार ही यहाँ ऑनलाइन का सारा शेड्यूल चल रहा है अभी एलआरसी के डिपार्टमेंट पे, तो वहाँ भी टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वर डाउन है जिस कारण सबके मेल पे मैसेज नहीं आ पा रहा है, जैसे ऑफिशियली बताया गया है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे, मैं उनसे मिला हूँ, तो वहाँ बताया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सबकी मेल नहीं जा पा रही है, टेक्स्ट मैसेज नहीं जा पा रहा है। होता यह है इस जाति इस तरह से मैसेज है कि कैंपेन चलता है उसमें सारे लोग का ईमेल आईडी डाल दिया जाता है, इंटर बटन प्रेस कर दिया जाता है, इसी वजह से सारे के पास वहाँ पे चला जाता है मेल पे मैसेज, और जाता किस किन कैंडिडेट्स को नहीं जा पाता जिनका मेल आईडी पे कुछ लॉग इन किए होंगे अपने मेल आईडी को, फिर वहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, तो उसके पे आना थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं आ पाता है मैसेज, या स्पैम में चला जाता है इस तरह से, या इंपॉर्टेंट वाली जो ऑप्शन होती है मेल उस पर चली जाती है, तो ये सारी गलतियाँ की वजह से हम लोग जो थोड़ी मोड़ी हम लोग से गलतियाँ हो जाती है विभाग से, इस कारण सारा कुछ नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो विभाग भी जैसा आप लोग पता है कल रात में 12 बजे आई थिंक मैसेज मेरे फ्रेंड को आया था, वहाँ पर इस तरह का कन्फर्मेशन ले रहे थे विभाग की कि आप सही में अभी तो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, अगर ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो ज्वाइनिंग कर ले, और ये आपका पासवर्ड है, ये उनके लिए पासवर्ड भी वहाँ पर दिया गया था जो कैंडिडेट्स अभी तक ज्वाइनिंग नहीं लिए, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको यहाँ पे फिर से ज्वाइनिंग पासवर्ड के वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं थी, जिनको ऑलरेडी मेल पे मैसेज आ चुका है ज्वाइनिंग वाली ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अभी तक आपको पता नहीं है तो ऊपर लिंक में बटन दिख रहा होगा उस पर जाकर देख ले वीडियो किस तरह मेल से ज्वाइन होते हैं, अगर पासवर्ड से नहीं पता किस तरह ज्वाइनिंग होती है उसमें भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी लिंक पे दिख रहा होगा, देखे उस पर क्लिक करके देख ले। तो जिनको मेल पे मैसेज आ चुके ज्वाइनिंग के उसको उस पासवर्ड से नहीं कुछ करना है, जिनको अभी तक ना ही मेल से ज्वाइन कर पाए ना टेक्स्ट मैसेज है उनको वहाँ पे उस पासवर्ड को डाल के गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करके और उस गूगल क्लासरूम को अपनी ईमेल आईडी में जो फॉर्म फिलअप करते हुए डाले थे उस पर लॉगिन करके उसके बाद पासवर्ड को वहाँ पे देना था, तब आप वहाँ पे ज्वाइन हो पाएंगे। बहुत सारे लोग बोले कि ज्वाइन किस तरह होता है, ज्वाइन काफ़ी ईजी है, सिंपली आपको पता होगा मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ ज्वाइन किस तरह होता है, सिंपली जब आप ज्वाइन होंगे तो उसका जो पैनल होगा वहाँ पे ये सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा जो आपके ग्रुप्स में होंगे, उसके अलावा जब ऊपर में उसके ऊपर में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3 डॉट होगा तो उस पर कुछ नहीं है रिफ्रेश और एक कुछ ऑप्शन आता है, लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनिंग होगी उस पर क्लिक करें तो वहाँ पे क्लासेस की ऑप्शन आती है, ग्रुप की ऑप्शन आती है, नोटिफिकेशन की ऑप्शन आती है, लाइक इस तरह की ऑप्शन आती है, तो इस तरह के पैनल आपको देखिएगा तो आप समझ जाए कि आप वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं और आप ये कंफर्मेशन आपका कंफर्म है। तो ये सारी थी अपडेट, और कुछ का आप लोग का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोले,
मैं तो बस प्रे करूंगा कि आप लोग की सारी ज्वाइनिंग हो जाए, कुछ भी आप लोगों के साथ दिक्कत नहीं हो, आप लोग काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, तो आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, विश यू वेल एंड स्टे होम।